कंटिन्यू करेंगे वो कारवा आगे भी जारी रखेंगे या फिर नहीं, बट हीरो आगे आने की कोशिश जरूर करें, बट अब्रार कम से कम यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लच सिचुएशन उनके लिए बन जरूर सकता है। जादू क्या उन्होंने देखा अब्रार को या नहीं, चलिए अभी तक तो नहीं देखा। क्या इनके पास ग्रेनेड्स नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, उनके पास ग्रेनेड्स नहीं होने वाले। स्मोक्स क्या वो भी उनके पास नहीं है, थोड़ी देर में वो भी पता चलेगा। बट आरी के प्लेयर रुके हुए, बट आप सर्कल देखें वार आरी को पूरी तरीके से फेवर करता हुआ। अब ओजी और इस वक्त बात करूं मैं अब्रार की, उन दोनों को यहां से निकलना पड़ेगा। और ओजी के पास भी 8 फिनिशेस हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट चेली का एक बढ़िया ग्रेनेड गया जरूर है, ठिकाने पे गिर सकता है वो ग्रेनेड। बट चलिए थोड़ा सा और जंप हुआ, डैमेज नहीं दिया गया वहां पे, बट चेली फिनिशेस नहीं है, बट एक बेहतरीन आई चले। 10 सेकंड के बाद अगला सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। मेजी कहीं ना कहीं प्लेयर्स के हाथ कांप रहे होंगे जो भी बाहर के एरियाज पर है, कि जाए कैसे सर्कल में, अपने आप को टॉप 3 में रखे कैसे, क्योंकि एक टीम को तो बाहर होना ही पड़ेगा टॉप 3 के अंदर आने से पहले। रॉक्सा ऐसा लगता है शायद अब्रार की लोकेशन को ढूंढने की यहां पर कोशिश इस प्लेयर के द्वारा करी जा रही। इनफैक्ट आर एक्सपोज के सारे प्लेयर्स अच्छे एरियाज एक्वायर करके बैठे हैं। ओआर वर्सेस आर, इनमें से कौन सुप्रीम तरीके से यहां पर जीवित रह पाएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल कहीं ना कहीं ओवरऑल बन जाता है। जेली वापस से एरियाज निहारते हुए देखते नजर आ रहे, इनको पता इनके सामने प्लेयर्स हैं, इनको पता इनके सामने फाइट्स हैं, लेनी तो पड़ेंगी। बट वहीं पर वैक्सी ओनली ग्लिच के ब्लेज को यहां पर नॉक करेंगे, इनफैक्ट फिनिश करते नजर आएंगे अपने लिए 4th फिनिश और टीम के लिए 11th फिनिश निकालते हुए। ओनली ग्लिच का एक प्लेयर, रेकनिंग का एक प्लेयर, इट्स सेफ टू से कि ये फाइट इन 4v4 के बीच में ही कहीं ना कहीं होने वाली है। एंड अगर किसी एक प्लेयर को चाहिए तो वो इनका गेम बिगाड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, 4-4-3 ओआर के प्लेयर के पास फिनिशेस देखने को मिलेंगे। जेली ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, अब्रार कोशिश कर रहे थे बट जादू वो चीज करने नहीं देंगे। चलिए फाइनली फाइनली पहला मैच जिसमें आखिरी सर्कल में हमें 4v4 की जो फाइट है वो इस वक्त देखने को मिलने वाले। किनारे का एक आगे ग्रेनेड जरूर गया था, पर मुझे लगता है वो ग्रेनेड हिट होने वाला है। जेली एक बार फिर से कोशिश करते हुए ग्रेनेड उन्होंने किया जरूर, बट वार के आप प्लेयर को देखे अभी भी सर्कल के बाहर, उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। बाकी आरी के जो प्लेयर है वो सबके सब सर्कल के अंदर, सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो किनारे के पास होने वाला, बट जादू इसी के पास थोड़ा सा ज्यादा एंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। वीवो के द्वारा पनिश जरूर करेंगे, यहाँ पे जादू को डाउन किया, बट मोस्ट प्रोबेबली बड़े आराम से हील कर दिया क्या ग्रेनेड आया, बट नहीं वो शैक में आके रह गया। बट किनारे के आगे वो सामने एक स्मोक था, करेंगे दिक्कतें नहीं होने वाली। एक और बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, सेंट्रल शिफ्ट होता हुआ सर्कल का 45 सेकंड बाद। बट रॉकस्टार की बात करी जाए, उन्होंने मॉली जरूर की, वैक्सी को वहां पे डाउन किया गया, बट ईवो उनके पास हाई रेंज एडवांटेज है, तो सही पूरा स्मोक्स की जो भरमार है वो हमें इस वक्त ओशन देखने को मिलता हुआ। ओआर के प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि ये फाइट कैसे निकाले। वैक्सी को रिवाइव जरूर दिया जा रहा है उस स्मोक के बीच में, बट ओआर के प्लेयर्स तैयार जरूर रहेंगे अपने लिए फाइट अपनी बनाने के लिए। वहीं पर आरी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स प्रेशर बनाने के लिए आ रहे, आदित्य एक प्लेयर को डाउन जरूर करेंगे, M249 का इस्तेमाल किया जाएगा, इंपैक्ट फिनिश भी यहां पर करेंगे, नंबर्स अपने हिस्से में रखने के लिए 12वां फिनिश ओआर के पास आता हुआ। आदित्य 5 फिनिशेस रख चुके हैं, उन्होंने अपना बैकपैक जो है वो हटा दिया, इज ऑन अ रैम्पेज मोड। वेल यस ही इज, अब आगे फाइट लेनी पड़ेगी स्मोक्स की जरूर जा रहे हैं। 3 सेकंड में अगला सर्कल क्लोज इन करना शुरू हो जाएगा, दोनों साइड से स्मोक्स आ जरूर रहे हैं, बट आदित्य की कोशिश रहेगी कि अब फाइट ली जाए, साथ में लिया पर डाउन जरूर किया जाने करने की कोशिश रहेगी। ईवो ऑलराइट खुद को पीछे लेकर गए, बट कैलरी हैज स्पॉटेड, ही इज देयर, ही इज स्पॉटेड आउट, बट कैलरी यहां पर एक पिक निकालते हैं। यूएमपी इज डेफिनेटली ब्रोकन राइट नाउ, ही ट्राइज टू टेक वन मोर डाउन, बट उसकी कोशिश यहां पर सिर्फ कोशिश ही बन करके रह गई। रॉक्सा के पास भी एक यूएमपी नजर आ रही है, जादू भी एक अच्छे एंगल पर, और इस बार प्रेशर ओआर पर बहुत ज्यादा अपन अपराय मेजी, बट आप देखें 2v2 की यहां पे सिचुएशन होती है। वार के भी दो प्लेयर यहां पे डाउन हो चुके हैं, आदित्य थोड़ा आगे आने की कोशिश करेंगे, रॉक्स आगे के साइड पे गए, तो वहां पे कवर फायर अपने टीममेट से प्रोवाइड किया जा रहा, आदित्य थोड़ा सा आगे गया, बट जेली वहां पे जो फिनिश था वो तब्दील करते हुए दिखाई देंगे, बट रॉक्स था वो यहां पे फंस गए, आदित्य के थोड़ा डाउन किया गया, वहां पे एक और प्लेयर मौजूद है जादू, और आप देख गेम टू 4-9 उनके पास है, रॉक्स था वो डाउन है, फिनिश किया जाएगा, बट इसी के साथ और ई स्पोर्ट्स विनर।